गाइज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉरेक्स ट्रेडर्स में। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज एक्जैक्टली मार्केट ने किस तरीके से आज बिहेव किया है। गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे ही फर्स्ट टाइम टेस्टिंग के लिए आता है गाइज, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के लिए आता है वो एक डाउन साइड ही मोमेंटम करते हैं और एक्जैक्टली यहाँ पे सेलर डोमिनेंस देखने मिला। होप आपने इसको ट्रेड किया होगा, नहीं भी ट्रेड किया तो कोई बात नहीं, अगली बार जरूर से ध्यान रखिए गाइज। जब भी ऐसे गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, जब भी फर्स्ट टाइम आता है तो एक रेजिस्टेंस देखने मिलता है। हाँ, 10 रुपये का एसएल भी रख सकते हैं आप, जिससे कि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो आपका मुश्किल से 10 रुपये का लॉस होगा, ज्यादा एसएल लगा, वरना तो यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रॉफिट आप जरूर से जनरेट करेंगे। ठीक है गाइस, निफ्टी 50 में चलते हैं गाइस। निफ्टी 50 में आज एक एक्सपायरी थी, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले देख सकते हैं जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, डाउन साइड लेके आए मार्केट को सेलर्स, फिर अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश किया, इसी के आसपास से ही सेलर वापस से आए और एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव किया है मार्केट ने। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया मैं एक बार यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है, लेकिन याद रखिए हमेशा ये जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपने 10 to 15 rupees का अगर रख लिया एसएल तो क्या होता है, साथ ज्यादा एसएल हिट हो जाता, फिर जब अपसाइड से यहां पे वापस से यहां पे ग्रीन कैंडल बना रहा था इस एरिया में भी आप बाय कर सकते थे। हाँ, हो सकता था कि 1:2 या 1:1.5 ही रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता आपको, लेकिन डिसेंट सा प्रॉफिट जरूर से जनरेट कर सकते थे आप बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया। मैं एक और चीज़ भी दिखाऊंगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यहाँ पे डाउन साइड आए थे यहाँ पे वन साइडेड अपसाइड जाने की कोशिश किया, लेकिन जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास ही मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है गाइस, सेंसेक्स में देख सकते हैं, सेंसेक्स में भी एक गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड जाने की कोशिश, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास ही आए यहाँ पे प्रीवियस डे के क्लोजिंग में। यहाँ पे सेलर डोमिनेंस हुए, लेकिन एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव किया है मार्केट ने। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं गाइस, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे मैं अपने ये चीज कभी भी हटाता नहीं हूं, क्यों वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे नहीं बनाया, यहां पे बाय डोमिनेंस था गाइस, यहां पे बाय डोमिनेंस क्यों था, यहां पे गैप ओपन हुआ उसके बाद सस्टेन करते हुए अपसाइड मार्केट लेके गए मार्केट में, यहां पे देख सकते हैं। ठीक है गाइस, एग्जैक्टली तो यहां पे जब भी फर्स्ट टाइम आएगा ना तो यहां पे बायर जरूर से एक्टिव होंगे और एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। यहां पे मैं आपके लिए बना देता हूं जिस हिसाब से आपको भी समझेगा। ठीक है गाइस, ये एरिया है जहां पे बायर एक्टिव होंगे और एग्जैक्टली यहीं पे बायर एक्टिव हुए और अपसाइड मोमेंटम लेके गए। ठीक है गाइस, निफ्टी 50 में भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, जिस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर लूँ तो आपको समझेगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ से यहाँ तक का ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है, यहाँ पे कोई बात नहीं, चल जाएगा गाइस, उतना अब उतना ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया अपसाइड मोमेंटम किया। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया, किस हिसाब से आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझने चाहिए और कैच करने चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूर पड़ गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे बायर्स, जो भी बायर्स यहाँ पे नहीं कर पाए होंगे बाइंग, वो यहाँ पे जरूर से आएंगे और एक बढ़िया सा मोमेंटम कैप्चर करेंगे और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया बिहेव यहाँ पे भी। ठीक है गाइस, पिछला वाला भी देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया था, अगर हाँ गैप डाउन ओपन होता यहाँ पे कहीं पे होता ना गाइस, मैं जस्ट बता देता, यहाँ पे कहीं पे होता ना, होने के बाद अगर यहाँ पे अपसाइड नहीं जाता, यहाँ पे जैसे ही डाउन साइड आता इस एरिया को जरूर से मार्केट टेस्ट करता। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ट्रेंड लाइन स्ट्रेट हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश करता। ठीक है गाइस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको समझने थे गाइस। ठीक है गाइस, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कल के लिए कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड करेंगे और उसके बिहाइंड द लॉजिक क्या है उसको डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है अभी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देते हैं सबसे पहले।
ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताने दीजिए, या फिर इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तब भी यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर यहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है फर्स्ट टारगेट यहाँ तक क्लियर होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है ना गाइस, तो आपका इजीली फर्स्ट टारगेट ये छोटे छोटे ही लेके चलिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस लेते हुए चलेगा, तो ये तीन टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, डाउनसाइड के लिए देखते हैं गाइस, डाउनसाइड में यहाँ पे जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेगा रेजिस्टेंस लेगा, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए गाइस, किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है। ठीक है गाइस, यहां पे देख सकते हैं ऑलरेडी एक सपोर्टिंग एरिया है, तो सबसे पहले डाउनसाइड के लिए देख लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए मार्केट, उसके बाद फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ही हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड इमीडिएट टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर अपसाइड के लिए देखा जाए किस तरीके से अपसाइड में मार्केट मोमेंटम कर सकता है, सबसे पहले इस जस्ट अ सेकंड गाइस, इस एरिया का ना ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं एक बढ़िया सा मोमेंटम हमने यहाँ पे भी देखने मिला है, तो यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा, तो सबसे पहले एक ये नो यहाँ तक का नो ट्रेडिंग जोन मान लीजिए, जैसे ही अपसाइड जाएगा यहाँ पे, गैप ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सस्टेन करने के बाद जैसे ही यहाँ पे इस एरिया के आसपास अपसाइड मोमेंटम करेगा ना गाइस, उसके बाद ही आप अपसाइड के लिए फर्स्ट सेकेंड और ये तीन टारगेट लेके जा सकते हैं और चौथा भी लेके जा सकते हैं। आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे जरूर से ध्यान दीजिएगा, अगर डाउनसाइड आता है रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करें, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। ठीक है गाइस, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में तो मैं नहीं बताना चाहूंगा आज के लिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स में भी एक बढ़िया सा मोमेंटम हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर यहां पे कहीं पे ना इसका डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो जाता है ना गाइस, तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ही होगा, सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।